हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक्सेल ओपन किया है, 2007 है हमारे पास, तो इसे ओपन करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी सेल सेलेक्ट करनी होती है, एडजेसेंट सेल, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हो, है कि नहीं। और यहां तक सेलेक्ट करना है तो यहां तक कर लिया, तो जहां तक करना है वहां तक आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि ये A1 दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये A कॉलम है और ये 1 रो है, ठीक है। तो A1 से लेकर H1 तक देखिएगा जरा, A1 से लेकर H जो है, A से लेकर H सेल्स को सेलेक्ट कर जाइए, ठीक है। उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, एक सेलेक्ट ये, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसे भी अगर आप कर देते हैं तो ये कितना टाइम लगेगा जरा सोचिए। तो ये काफी टाइम टेकिंग है, ठीक है। सभी सेल्स को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये अगर कर भी लेते हैं इस तरीके से तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेकिंग भी ना हो और हमारा काम भी आसानी से हो जाए, एच तक जाना है हमें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर आना है, ठीक है, यहां पर आ जाइए। और यहां पर क्या करना है आपको, एच है ना, यहां पर लिखिएगा एच। और यहां पर मान लीजिए कि आपको 5000 सेल सेलेक्ट करने हैं, तो यहां पे 5000 लिख दीजिएगा, 5000 लिख दिया। और अब शिफ्ट बटन दबा के और आपको एंटर प्रेस करना है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए ये 5000 सेल सेलेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 5000 नहीं करने थे, ठीक है, तो जहां तक करना है वहां तक आप जाइए, जी तक करना है तो जी तक कर लिया, ठीक है। यहां तक जी तक सेलेक्ट किया हमने, और यहां पर आना है, ये जो नेम बॉक्स है यहां पर आना है, और यहां पर लिखिए G3000। तो 3000 करना है तो 3000 लिख दीजिए और शिफ्ट दबा के और एंटर कर दीजिए, तो देखिए 3000 सेल ही सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बड़ा आसान है, और ये शॉर्टकट मेथड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा और खूब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।